तो फ्रेंड्स आज टॉपिक रे आमे जानिबा चक्रासन विषय रे। दर्शक बंधु यही आसन रे शरीर स्थिति चक्रपरि होइथाए तेणु यह चक्रासन कहा जाय थाए। तो दर्शक बंधु यही आसन करिबा द्वारा विभिन्न प्रकार लाभ होइथाए तथा मेरुदंड तथा शरीर समस्त नाड़ी गुड़िकर शुद्धिकरण होई जौगिक चक्र जाग्रत होइथाए। पक्षाघात तथा शरीर दुर्बलता दूर होइथाए। मस्तक गला पिठी पेट अंटा हाथ पाद आंठु आदि समस्त अंग मजबूत होइथाए। जोड़ा स्थान रे दरज होइ नथाए। पाचन शक्ति वृद्धि होइथाए। पेटर अनावश्यक चर्बी दूर होइथाए। शरीर तेजस्वी और चंचल होइथाए। विकारी विचार नष्ट होइथाए। स्वप्न दोष जनित रोग समूले विदाय नेइथाए। चक्रासन नियमित अभ्यास द्वारा वृद्धावस्था रे मध्य अंटा नई जाए नाही। शरीर सड़क टाणी हो रही थाए। तो दर्शक बंधु यही आसन करिबार विधि होउछे भूमि उपरे बीचे होइथिबा आसन उपरे चित होइ सोइ जांतु। आंठू ठारु गोड़ भांगी ऊपर को उठांतु। पाद तल भाग भूमि रे लागि रहु। उभय गोड़ मझीरे पाखापाखी देढ़ फुट अंतर रहिब। उभय हात मुंड आड़क उठाई पछ आड़क उभय हात पापुली भूमि रे लगांतु। उभय पापुलीर मझीरे मध्य देढ़ फुट अंतर रहिबा उचित। वर्तमान हात और पादरे भरा दे पूरा शरीर को अंटा ठारु भांगी ऊपर को उठांतु। हात को धीरे धीरे पाद आड़क नहीं संपूर्ण शरीर आकार वृत्त किंबा चक्र परि करंतु। आखि बंद रखंतु। श्वासर गति स्वाभाविक भावरे चलिबाको दियंतु। चित्तवृत्ति मणिपुर चक्र किंबा नाभिकेन्द्र रे स्थित रखंतु। आखि खोला मध्य रखि पारंति। एक मिनिट रु पांच मिनिट पर्यंत अभ्यास बढ़े पारंती। तो दर्शक बंधु आपण माने आसनर अभ्यास यही चित्र देखि मध्य करि पारंती। जदि आपण ए आसन करुचंती सावधानता पूर्वक करंतु। आम चैनल कदापि एथिपाई दायी नुहे। तो दर्शक बंधु आज भिडियोटी समाप्त करुच्ची। भिडियो भल लगी भिडियोटी लाइक करूँ सेयार करूँ आउ कमेंट बॉक्स रे अवश्य कमेंट करूँ।